स्वागत है तुहाडा। मैं हां तुहाडे नाल इंद्रजीत कौर ते पंजाब की बात दे विच पंजाब दी हर खबर दे नाल तुहानू रूबरू करावांगे। शुरुआत इस वेले दी वड्डी खबर दे नाल करदे आं। तलवंडी साबो दे विच प्रबंधित कीते जा रहे सरबत खालसा नू लैके पंथक जथेबंदियां बाजद नजर आ रही ने। पंथक जथेबंदियां दे वलों प्रबंध वाली थां ते बस दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश कीता गया है। जद पुलिस वलों बस नूं हटाउण दी कोशिश कीती गई तां पंथक आगुआं ने बस दे टायरां दी हवा कट दित्ती, जिस वजह दे नाल बस उत्थे ही खड़ी हो गई। तस्वीरां च तुसीं देख सकदे हो कि इह उही थां है जिथे सरबत खालसा कीता जाण दा ऐलान होया 8 दसंबर नूं, ते इस थां ते जो बस खड़ी हुई तुसीं देख रहे हो इस दे टायर पंचर कर दिते गए ने, ते नाल ही इन्हां सिख संगठना दे वलों पाठ भी शुरू कर दिता गया। श्री अखंड पाठ साहिब दा पाठ है जो कि आरंभ होया है, ते कल 11 बजे सवेरे जो है इस दा भोग पाया जाएगा। मनुखता दे गुरु ने जो सरबत दा भला मंगदे ने, अज उन्हां दा जिस जगह ते सरबत खालसा होने जा रहा सी उस जगह पर असी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश की। हूँ तो हिंदुस्तान के सारे लिए एक है, पिछे भी जबर किया जरा 10 नवंबर में साढ़े टेंट तोड़ते वो जगह साड़ती परिवारों पर दबाव पाता। जो नहीं फैसला फिर थोड़ा की इस तरह का रहूगा, फिर जो फैसला होगा उस बारे विचार लिया जाऊगा, हजे तक तो सानू उम्मीद है। तो सरबत खालसा नूं लैके हलचल वधदी जा रही है। पंथक जथेबंदियां सरबत खालसा दे प्रबंध नूं लैके बाजिद ने, तां पुलिस ते प्रशासन दे वल्लों वी सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध कीते गए ने। दो तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो अपने टीवी स्क्रीन ते। पहली तस्वीर तरन तारण दी है जिथे हरी के पत्तन ते पुलिस दे वल्लों नाका लगाया गया ते बठिंडा वल नूं जाण वाले रस्तियां नूं सील कर दिता गया। दूजी तस्वीर बठिंडा दी है, उस थां दी है जिथे सरबत खालसा दा प्रबंध कीता जा रहा है, जिथे हर पासे नाकेबंदी करके बसां ते गड्डियां दी तलाशी लई जा रही है। उधर सरबत खालसा नूं लैके पंथक जथेबंदियां दा कहना है कि वह हर हाल दे विच इस प्रबंध नूं करके रहेंगे, हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह दे नाल इस ते नजर बनाए हुए है। 8 तारीख यानी कल पंजाब के तलवंडी साबो में होने जा रहे सरबत खालसा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। इस वक्त हम यहां पर खड़े हैं जहां पर सरबत खालसा होना था। पुलिस को चकमा देते हुए सुबह 4:30 बजे इन लोगों ने यहाँ पर अनंत जो पाठ है वो यहाँ पर शुरू कर दिया खंड पाठ का। और बकायदा इसमें जो अभी तक की बात जो सामने आ रही है उसमें यही है कि जो ये जो पूरा दमदमी साहिब जो है अजनाला की पालकी साहिब में मंगलवार सुबह 4 बजे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ जो है आरम्भ करवा दिया। जैसी इसकी सूचना जो थी वो पुलिस को लगी जो ऑपरेशन है, तो जो SP थे उनकी अगुवाई में गाड़ी को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जो यहाँ पर जो सिख संगठन जो है उन्होंने यहाँ पर जो गाड़ी के टायर थे उनकी हवा निकाल दी और उसके बाद यहाँ पर पाठ जो था वो शुरू कर दिया गया। जो यहाँ के जसकरण सिंह कहन हैं उनकी अगुवाई में ये सारा जो यहाँ पर इस समय जो पाठ है वो ये चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पीछे जो मेरे कैमरामैन अगर यहाँ पर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है। पूरे अगर तलवंडी साबो को हम कहें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस वक्त, और तकरीबन यहाँ पर 3 जिलों की 4,000 पुलिस मुलाजिम जो है उनको तलवंडी साबो में तैनात किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की 2 टुकड़ियां हैं और पंजाब पुलिस के कमांडो ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। RPF ने जो है वो एक खेत की तरफ कूच तो किया था यहाँ पर इनको यहाँ पर आने के लिए जहाँ पर ये होना था सरबत खालसा समागम, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर आए जरूर लेकिन वापस चले गए यहाँ पर क्योंकि ऊपर से आदेश जो था वो नहीं मिल पाया। और जो इस समय जिस तरह से यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से नाकेबंदी की गई है और बाकायदा जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनको भी पुलिस ने अपने नज़रबंद कर दिया है, उनको यहाँ तक आने के लिए काफ़ी मशक्क़त जो दूसरे लोग हैं उनको आनी करनी पड़ रही है। तकरीबन यहाँ पर हर जगह पर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर बाकायदा बड़े बड़े नाके लगा दिए गए हैं ताकि और आने जाने वाले जो वाहन हैं उन पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह के कल के जो यहाँ पर सरबत खालसा होना उसे किसी भी तरीके से यहाँ पर रोका जा सके। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, तलवंडी साबो। उधर पंथक जथेबंदियां दे वल्लों सदे गए सरबत खालसा ते मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सवाल चुके ने। उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं कि पहला भी की होया सी ते पंजाब दे वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा ते कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने सवाल चुके ने। थोनों भी पता है कि उत्थे की हुंदा है, जे तुसी वो हालात करना चाहुंदे हो।
सरबत खालसा का कोई सिस्टम होंगे गा सरबत खालसा जो कोई चार बंदे उठ के बुला दें सरबत खालसा नहीं होंगे यह जिहड़ा पंथक घट है ये पंथक मुद्दे पंथक हितों मुख रख के कोई बहुत एमरजेंसी हालात के विच कोई पंथ से बहुत वड्डा अहम मसला होवे उहदे ते ये होंगे ने सो इन्होंने तो जिहड़े ने चार बंदे ने आपदे आप ही जिहड़ा है जथेदार बन गए तो आप ही उन्होंने जिहड़ा है ये पंथक कट छड़ लिया इहदा ये कोई सरबत खालसा नहीं है सरबत खालसा सिर्फ अकाल तख्त साहब से बुलाया जा सकता है तो पंथक जथेबंदियां सरबत खालसा बुलाउन ते अड़ियां होईयां ने पर प्रशासन भी पूरी तरह नाल सतर्क है हुण अगे वधदे गल करदे जलालाबाद सीट ती जिथों पंजाब दे डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल दे खिलाफ आम आदमी पार्टी दे संगरूर तो एमपी भगवंत मान ने आगामी विधानसभा चोण लड़न दा ऐलान कीता है जिस दे बाद इस सीट पंजाब दी हॉट फेवरेट सीट बन गई है पर इस विचाले पंजाब दे खजाना मंत्री परमिंदर सिंह टींचा ने स्पष्ट कर दिता है कि जलालाबाद तो सरदार सुखबीर सिंह बादल ही चोण लड़नगे उधर उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद विखे संगत दर्शन करन पहुंचे लोगों के नाल रूबरू होने तो बाद उन्होंने मुड़ दोहराया कि भगवंत मान की जमानत खजाना मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा ने जिथे सुखबीर सिंह बादल दे जलालाबाद तो चोन लड़न का दावा किया था उधर ही जलालाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि भगवंत मान की जमानत जब्त होगी जनता ही रोकूंगा ही जो है उन्होंने चोन लड़नी है ते वो तो पार्टी प्रधान ने आपका वैसे ही उन्होंने मन चाहिए मैं अखीर आपका अनाउंस कर उन्होंने तो पता ही है सारे कोई किसी को कहने की लड़ता है नहीं जलालाबाद तो चोन लड़ेंगे देखो तो अनाउंस कर तो मैं अज कह दा अनाउंस कर तो पर उन्होंने जे कितों लड़नी होंगी होर तो पहले आपकी अनाउंस करते मतलब यह तो हूँ जो विरोधी पार्टियां आप गल्ला बना के होर प्रचार तो बिना उन्होंने कुछ नहीं है सामने आ जानी गल दो हफ्ते दस दिन की गल है सारी सामने आ जानी उथे अकाली दल दे विच बगावत ते बोलदिया होया परमिंदर सिंह ढींसा ने कहा कि जिन्हां नूं टिकट नहीं दित्ती गई ओही अजिही बगावता कर रहे ने अकाली दल च एमएलए सी उहनां चिर वधिया सी अज किसे होर नूं टिकट दित्ती अज अकाली दल माड़ा लगन लग पिया इह तां निजी मुफाद दी गल है कोई इहदे नाल ना तां कोई पार्टी दा नुकसान होणा ते असीं तां आपदी नीतियां दे आधार ते श्रोमणी अकाली दल चोण लड़ेगा पर दुख की गल है भी जेड़े व्यक्ति जिन्होंने खास तौर पर जिमें अज मैं पढ़िया निहाल सिंह वाला जी वह गए ने वो कांग्रेस इन्ना समा उन्होंने किसी ने पूछा नहीं फिरोजपुर हल्के तो एमपी शेर सिंह खुबाया दे विद्यक अदारे ते विजिलेंस दे वल्लों छापेमारी की गई है विजिलेंस महकमे ने जलालाबाद हल्के दे विच स्थित विद्यक अदारे ते छापेमारी करके कुछ अहम दस्तावेज कब्जे च लै लए ने तुहानू दस दिए कि किसे वेले हुकमरान ते दे नजदीकी मन्ने जांदे खुबाया परिवार दे कांग्रेस दे विच जाण दीआं खबरां तों बाद हुई इस छापेमारी नूं लैके हलचल मच गई है ते इस छापेमारी नूं खुबाया परिवार ते दबाव बनाउण दी रणनीति दे तौर ते देखिआ जा रिहा है उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने छापिआ बारे पूछे जानते जानकारी ना होने की गल कही उधर एमपी खुबाया दे कॉलेज प्रिंसिपल मुताबक विजिलेंस नू सारे दस्तावेज सौंप दिते गए ने कॉलेज आई सी उन्होंने साडे कोल रिकॉर्ड मंगया स्कॉलरशिप दा टोटल कॉलेज किस साल शुरू होया किन्ने बच्चे पढ़ रहे ने केड़े केड़े कोर्सेज चल रहे ने इस रिगार्डिंग उन्होंने डेटा मंगया तो कुछ डेटा जो साढ़े को मौके पर अवेलेबल से असी उन्होंने प्रोवाइड कर दिता है उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने छापेमारी के बारे कोई जानकारी ना होने की गल कही तो कांग्रेस ने छापेमारी की टाइमिंग से सवाल चुके ने किस्ती जिहड़ी डुब रही है इहदे चों लोग छाला मार के जा रहे जिहड़े चंगे है इस करके हुण जिहड़े लोग इन्हां नूं छड्ड रहे है उन्हां दे खिलाफ इह परचे दर्ज कर दे गुवाया फैमिली नूं इन्हां ने बहुत ज़्यादा दबा के रखिया राय सिख पूरी कौम नूं इन्हां ने दबाया होया उहदे करके ओह गुवाया फैमिली इन्हां नूं छड्ड के जा रही है ते उसे दा कारण है ते उन्हां दे घर दे छापे भज रहे
SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੀ ਵਜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ एक बार फिर तो स्पष्ट किया गया है मुख्य मंत्री बादल दे वल्लों कि पानी दी एक भी बूंद पंजाब तो बाहर नहीं जान दित्ती जाएगी क्योंकि पानी पंजाब दी लाइफलाइन है। ना असी नहर पट्टन देनी है ना पानी जान देना है और उदे च पंजाब च श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी ही पानी बचा सकती है। ये पानी के फैसले सारे जिहड़े कीते आ जिहड़े सत खोए आ ये कांग्रेस सरकारां दे वेले खोए आ इस करके ये ड्रामे करदे आ अस्तीफा देता अस्तीफे तो सब दे ही है जो दो महीने नूं इलैक्शन होना है। मोगा रैली नूं रहके कांग्रेस ने सरकार ते निशाना साधिया। कांग्रेस ने इस रैली नूं सरकारी पैसे दी बर्बादी दस्या ते नाल ही आटा दाल स्कीम दे लाभपात्रियां नूं लाहा ना मिलण दा इल्जाम भी लगाया। कांग्रेस दा इल्जाम है कि सरकारी खजाना खाली है ते अजे दे विच रैली दे लई लाए जा रहे होर्डिंग्स ते विज्ञापनां नूं कांग्रेस ने नियमां दा उल्लंघन करार दिता है। तुहानूं दस दईए कि मोगा दे विच पानी बचाओ पंजाब बचाओ रैली जो है कल कीती जाएगी श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों, पर उसे रैली ते जो है कांग्रेस ने निशाना साधिया ते इस रैली नूं सरकारी पैसे दी बर्बादी दस्या है। पंजाब बीजेपी दे विच बटाला सीट नूं लैके तनाव जो है वह वधदा ही दिखाई दे रहा है। बटाला सीट श्रोमणी अकाली दल नूं दित्ते जाण ते बीजेपी आगू जगदीश साहनी ने नाराजगी जाहर की है। बीजेपी आगू जगदीश साहनी के मुताबिक बटाला बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट है ते साहनी ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा है कि जेकर इस सीट बीजेपी नूं नहीं दित्ती जाती तो उन्हों का मकसद श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार नूं हराना होगा। तुहानूं दस दईए कि जगदीश साहनी नूं बटाला सीट तो बीजेपी दे विच अहम दावेदार मनिया जा रहा है। इस पूरे मामले ते जगदीश साहनी दा की कुछ कहना है ते पंजाब बीजेपी दे प्रधान विजय सांपला की कह रहे ने वो भी थानू सुनाने हैं। देखो बटाला सीट ट्रेडिशनल सीट बीजेपी दी अकाली दल ने जे कीती है ते मैं कहना बड़ी गलती कीती है। अति ठोक के कह सकदा भाई भावें होए ना होए भारतीय जनता पार्टी का सारा वर्कर इस गल तो अकालियों के खिलाफ है। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 19,000 ਤੇ ਹਰੀ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ 38,000 ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹਲੇ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਅਗਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ 6 ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ 5 ਕੈਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। 27 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ रेलवे स्टेशन तो गिरफ्तार किया सी पर हुण तक बाकी दे मुलजम कित्थे ने पुलिस नूं कोई जानकारी नहीं मिली लगती है ते उधर मुख्यमंत्री मुताबक मुलजम जल्दी ही फड़े जाणगे ते फरार कैदियां च इक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स दा मैंबर कश्मीर सिंह दा दहशतगर्द भी शामिल है ते नाल ही 4 गैंगस्टर भी शामिल है। भगौड़े गैंगस्टर्स दे विच गुरप्रीत सिंह सेखू नीता दियोल विक्की गोंडर ते अमनदीप टोटिया शामिल ने। जी और कमेटी बनाई हाई पावर कमेटी उन्हें रिकमेंडेशन जड़ियाँ दी सारियों लागू जाने कोशिश करी जाने दो हो गए मेरा ख्याल जल्दी फड़े जाने।
जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की भी तुहानू अपील है कि नाभा जेल चो फरार पांच कैदियों के बारे जे किसी भी तरह की कोई जानकारी तुहानू मिलती है तो तुसीं सीधा पुलिस नू 100 नंबर ते इसकी सूचना दे सकते हो या फिर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मोबाइल नंबर 8588808222 ते सूचना दे सकते हो। एक बार फिर तो तुहानू नंबर दस दें 8588808222 इस नंबर ते तुसी कॉल करके किसी भी तरह दी इन्ना फरार कैदियों के बारे जानकारी दे सकते हो। उधर पंजाब विधानसभा चोणां दे लई पिड़ सज चुके है ते इस बार पंजाब दे कई गायक ते हासरस कलाकार भी विधानसभा दीआं पौड़ियां चढ़न दे लई काले ने। किहड़े कलाकार ते इस किस पार्टी तो टिकट दी आस लाई बैठे ने, एक रिपोर्ट देखो। पंजाब विधानसभा विच इस बार हिक्कां भी लगणगियां ते ठाके भी क्योंकि पंजाब दे बहुत सारे गायक ते हासरस कलाकार 2017 दीआं विधानसभा चोणां विच वख-वख सियासी पार्टियां वल्लों चोण पिड़ दे विच नित्तरना चाहुंदे ने। कई सियासत दे विच पैर जमा चुके ने अते कई किस्मत अजमाउण दी तैयारी कर रहे ने। सब तों पहला गल हासरस कलाकार रहे भगवंत मान दी करदे आं। भगवंत मान ने मनप्रीत सिंह बादल दी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब तो अपने सियासी सफर की शुरुआत की सी, पर लहरा गागा हल्के तो विधानसभा चोणां विच हार मिली। फिर 2014 विच आम आदमी पार्टी की टिकट ते लोकसभा दे मेंबर चुने गए अते हुण आम आदमी पार्टी वल्लों ही जलालाबाद हल्के तो सुखबीर बादल नूं चुनौती देण दे लई चोण पिड़ विच नितरे ने। एक होर हासरस कलाकार अते आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई दे कन्वीनर गुरप्रीत सिंह वड़ैच जो कि घुग्गी दे नां नाल प्रसिद्ध होए ने, हुण ओह वी सियासत की दुनिया विच अपनी किस्मत अजमाना चाहते ने। पार्टी उन्हां नूं मजीठा हल्के तो बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ चोण पिड़ दे विच उतारना चाहती है। हुण गल सूफी गायक हंसराज हंस की करते हैं जिन्होंने 2009 दे विच श्रोमणी अकाली दल की टिकट से जलंधर लोग सभा हल्के तो चोण लड़ी सी पर सफल ना हो सके। हुण ओह कांग्रेस विच शामिल हो चुके ने अते महलकलां ते जगराऊं हल्के तो टिकट लैण दे चाहवान ने। दुगाणा जोड़ी के बादशाह कहे जाण वाले मोहम्मद सदीक सियासत दे विच सफल इनिंग खेड चुके ने। उन्होंने 2012 दीआं विधानसभा चोणां विच कांग्रेस दी टिकट ते चोण लड़ी सी अते पतौड़ हल्के तो श्रोमणी अकाली दल दे दरबारा सिंह गुरु नूं मात दित्ती सी। ओह इक वार फिर मुड़ तो पतौड़ हल्के तो चोण लड़ना चाहुंदे ने। माझे दी इह मोमबत्तीए गीत नाल मशहूर होए गायक बलकार सिद्धू ते वी सियासत दा रंग चढ़ चुक्या है। उन्हां नूं पहलां आम आदमी पार्टी ने तलवंडी साबो तो जिमनी चोण दे लई अपना उम्मीदवार बनाया सी पर बाद विच उसकी टिकट कट दिती गई सी। बलकार सिद्धू हुण कांग्रेस विच शामिल हो चुके है अते मौड़ हल्के तो चोण लड़नी चाहुंदा है। पंजाब दी इक होर मशहूर सिंगर सतविंदर बिट्टी भी कांग्रेस दा हथ फड़ के सियासत दी बेड़ी विच सवार हो चुकी है। बिट्टी हुण लुधियाणा जिले दे सानेवाल हल्के तो चोण लड़न दी इच्छा रखदी है जिथों पिछली बार रजिंदर कौर पठल दे जवाई विक्रम सिंह बाजवा चोण हार गए सन। पंजाबी गायकी दे विच वक्री पछाण रखण वाले अते लंबी चौड़ी कद काठी दे मालक KS मक्खण भी सियासत विच अपनी किस्मत अजमा चुके ने। मक्खण 2014 दीआं विधानसभा चोणां विच बसपा दी टिकट ते आनंदपुर साहिब तों चोण लड़ चुके ने पर ओह सफल ना हो सके। मक्खण हुण अकाली दल दे विच शामिल हो चुके ने अते चोण लड़नी चाहुंदे ने पर अजे तक उन्हां नूं टिकट नहीं मिली है। इन्हां कलाकारां विचों कुझ सियासत विच सफल होए ने अते कईयां दे हथ निराशा लगी है। इन्हां सैलिब्रिटीज़ दे सियासत विच आउण ते BJP आगू ते कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने कहा कि लोकतंत्र विच सब नूं चोण लड़न दा हक है पर हुण लोक सियाणे हो गए ने अते पार्ट टाइम सियासत नूं तवज्जो नहीं दिंदे ने। कैबिनेट मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों मानदे ने कि लोक हुण शख्सियत दे नालों कम नूं ज्यादा तरजीह दिंदे ने। इसे तरह राजसी मामलों के माहर प्रोफेसर मोहम्मद खाले का मानना है कि आगामी विधानसभा चोणों में इन सेलिब्रिटीज़ का सीमित रोल होगा क्योंकि सफल उही होता है जो अपने आप को सियासत दे विच स्थापित करता है। ना तो कोई लोगों ने सिंगर देखना ना कोई किसी किसी का होर देखना, लोगों ने काम देखने जिहड़े पार्टियां ने जिहड़ियां सरकारां ने पंजाब दे डिवेलपमेंट वास्ते काम किए होंगे लोग वोटा उन्होंने पाँगे। लोकतंत्र देखो राइट है हर किसी का, बाकी लोगों डिसाइड करना होंगे भी उन्होंने की वेख के वोट पानी है। तो लोग अजक बहुत अवेयर है इस मामले के एड्डी छेती एक्सैप्ट नहीं करते भी कोई आवे इलैक्शन लड़ ले वोट लैके चले जाए मुड़के वड़े ना मुड़के अपना कारोबार करे TV ते हाहा हूहू करे ते गाने बोले वो लोग हुण एक्सैप्ट नहीं करते। जिन्हें फुल टाइम ये सेवा करनी है उन्होंने लोग एक्सैप्ट करते हैं। मैनू लगता है कि उन्हों का असर पंजाब की सियासत ते आने वाले इलैक्शन दे विच लिमिटेड हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि हर सैलीब्रिटी या हर गायकार
या हर कलाकार जिहड़ा हैगा वह इलैक्शन जित जाएगा। कुछ ने अपने आप नूं एस्टैबलिश किया, सिर्फ उही इलैक्शन जित सकदे। पंजाब दी सियासत विच जे भगवंत मान ते मुहम्मद सदीक वर्गे कलाकार सफल होए ने तां हंसराज हंस, कुलदीप मानक अते के एस मक्खण वर्गे गायकां दे हथ निराशा भी लगी है। 2017 दीआं विधानसभा चोणां विच इन्हां विचों किन्ने सैलिब्रिटीज़ नूं टिकटां मिलदियां ने अते किन्ने उन्हां दे विचों सफल हुंदे ने, इह तां आउण वाला वक्त ही दसेगा। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।